डीजल कार रेस्टोरेशन। नितेश अपने शेड में जंग चढ़ी डीजल एम्बेसडर कार का रिस्टोरेशन करने के लिए लाता है, और जब रिस्टोरेशन करना चालू करता है तब उस कार से उसे किसी जायदाद के पेपर और पैसे और सोने के गहने मिलते हैं। पर उस जंग चढ़ी कार में कहां से इतना सारा माल आया होगा, आइए देखते हैं इस कहानी में। रामपुर नाम के गांव में एक काशीराम नाम का गरीब मैकेनिक रहता था। उसका एक बेटा था नितेश, जो शहर में पढ़ाई करता था। काशीराम का एक खुद का शेड था, जहां पर काशीराम गाड़ियां रिपेयर करता और अपने परिवार को पालता था। एक बार नितेश शहर से गांव आता है और अपने पिताजी से मिलने शेड जाता है। काशीराम एक गाड़ी का रिपेयर कर रहा होता है, तब नितेश कहता है, अरे पिताजी, आप कब तक ऐसे पुराने शेड में काम करोगे? नया शेड क्यों नहीं बनवाते? बेटा, आज तक इसी की वजह से तो तेरा घर चल रहा है और तुम्हारी पढ़ाई भी। बस एक बार तुम पढ़ लिख कर नौकरी करने लगोगे तो मैं रिटायर तो हो ही जाऊंगा। पर बेटा, तुम ऐसे बीच में ही कैसे गांव आ गए? कोई जरूरी काम है क्या? पिताजी, वो क्या है कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। वो कॉलेज को 2 दिन की छुट्टी है तो उन्हें अपना गांव देखना था, तो क्या मुझे ये गाड़ी मिल सकती है? अरे नहीं बेटा, गांव देखना ही है तो पैदल घूम कर देखो, ये तो कस्टमर की गाड़ी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर प्लीज पिताजी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा गाड़ी का, इसे एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस लाना गाड़ी को, और हाँ, पूरा ध्यान रखना इसका। अपने पूरे लाइफ में मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूँ, बस मेरी लाज रखना, समझे ना बेटा? हाँ पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ले आऊंगा। ऐसा कहकर नितेश वो गाड़ी लेकर अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने जाता है। पूरा गांव देखने के बाद नितेश कहता है, अब मैं तुम सबको मेरे गांव का जंगल दिखाता हूँ। वो बहुत ही बड़ा और घना है, कभी कभी तो जंगल के जानवर भी आसपास ही दिखाई देते हैं। नितेश के दोस्त भी जंगल देखने के लिए हामी भरते हैं। नितेश गाड़ी से जंगल घूम रहा था, जंगल में वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं। फिर वो वापस निकलने ही जाते हैं कि तभी उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है और बंद हो जाती है। तब नितेश घबराते हुए नीचे उतरता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? मेरे पिताजी अब मुझे बहुत डांटेंगे, पर आखिर ये चीज क्या है जो आधी जमीन के अंदर है? चलो हम सब यहाँ गड्ढा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तब नितेश और उसके सारे दोस्त मिलकर वहाँ एक गड्ढा खोदते हैं और देखते हैं तो वो एक पुरानी जंग चढ़ी हुई एम्बेसडर कार रहती है। उसे देखकर नितेश कहता है, अरे ये तो एक एम्बेसडर कार है, पर ये यहाँ कैसे आई होगी? काफी पुरानी दिख रही है, बहुत सालों से यही पड़ी है लगता है, देखो इस पर कितना जंग चढ़ा है। नितेश की ये बात सुनकर उसका एक दोस्त कहता है, कोई बात नहीं नितेश, एक काम करते हैं, हम इसका रिस्टोरेशन करते हैं और फिर से इस कार से घूमेंगे, क्या कहते हो? नितेश खुशी खुशी उस एम्बेसडर कार को बाहर निकालता है और अपनी गाड़ी से जोड़कर अपने पिताजी के शेड में ले आता है। काशीराम भी उस पुरानी जंचड़ी एम्बेसडर कार को देखने लगता है। नितेश के सारे दोस्त देखते ही रहते हैं। तब नितेश कहता है, पिताजी मैं इस कार का रिस्टोरेशन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस काम में मदद करेंगे? हाँ बेटा, और ये जो गाड़ी ले गया था ना, उसे जो खरोच आई है वो भी ठीक करना है। माफ कीजिए पिताजी, पर ये सब इस कार की वजह से ही हुआ। ऐसा कहकर नितेश उस कार का रिस्टोरेशन करना चालू करता है, पर जब वो एम्बेसडर कार को खोलता है तो उसपे कुछ जायदाद के पेपर और पैसे साथ साथ गहने भी मिलते हैं। नितेश ये सब देखकर चकित होकर अपने पिताजी को बताता है। सालों से जमीन के अंदर पड़ी होने की वजह से जायदाद के पेपर खराब हो चुके थे, उस पर जो नाम लिखा था वो धुंधला गया था, पर जैसे तैसे करके नितेश एक नाम पढ़ ही लेता है और वो नाम था पटेल। तब कांशीराम कहता है, अरे क्या कहा पटेल? ऐसा कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। नितेश को कुछ समझ में नहीं आता कि पिताजी क्यों हंस रहे हैं। तब नितेश पिताजी से हंसने का कारण पूछता है और काशीराम कहता है, अरे बेटा ये बहुत ही मजेदार किस्सा है, ये जो गाड़ी है ना, ये हमारे गांव के पटेल की है, और उस पटेल का बेटा हुलक्कड़ था,
कुछ साल पहले की बात है, सुनेगा तो तू भी हंसेगा। पटेल उस गांव का एक बड़ा धनिक आदमी था। उसने बहुत ही काला धन जमा किया था। एक बार की बात है, उसके घर इनकम टैक्स वाले की रेड पड़ती है। तब पटेल अपने भुलक्कड़ बेटे से कहता है, अरे बेटा, खबर मिली है कि इनकम टैक्स वालों की रेड गिरने वाली है। तुम एक काम करो, तुम सारे सोने के गहने, पैसा और जायदाद के कागज लेकर अपनी एम्बेसडर कार से ले जाओ और इसे कहीं दूर संभल कर छुपा के रख के आना। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर हम उस एम्बेसडर कार को वापस ले आएंगे। पर पिताजी, हमारे पैसों को ये पुलिस लेकर क्या करेगी? अरे उल्लू के पट्ठे, उसमें काला धन है। अगर वो ऑफिसर के हाथ लगा तो वो सब ले जाएंगे और हम लूट लिए जाएंगे और मुझे जेल भी हो सकती है। जितना कहा है उतना करो। पटेल का भुलक्कड़ बेटा सारा पैसा और सोने के गहने तथा जायदाद के पेपर अपनी एम्बेसडर कार में छुपा कर वहां से चला जाता है और दूर जंगल में उस कार को छोड़कर वापस आ जाता है। और वो रहता तो है भुलक्कड़, वो यही भूल जाता है कि उसने अपनी कार कहाँ छुपा रखी है। इधर इनकम टैक्स वालों की रेड गिर कर ऑफिसर घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा करके वो वापस चले जाते हैं। बाद में पटेल अपने बेटे से उस कार के बारे में पूछता है। तब उसका बेटा कहता है, अरे पिताजी, कौन सी कार? मुझे तो किसी कार के बारे में नहीं पता। और अब बाप रे, लगता है ये सब भूल गया। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इस भुलक्कड़ से कहा, अब क्या करूं मैं? पटेल उसे बहुत याद दिलाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। कुछ सालों के बाद उस पटेल दंपत्ति की मौत हो जाती है और उसका बेटा भी गांव छोड़कर कहीं चला जाता है। और ये सब सुनकर आप समझे ना, उस भुलक्कड़ ने वो कार कहाँ छुपाई थी। पिताजी की ये बातें सुनकर नितेश भी हंसने लगता है, पर नितेश वो सारा पैसा, सोने के गहने और जायदाद के कागज पुलिस के हवाले कर देता है और उस एम्बेसडर कार को अपने पास ही रखता है और कार का रिस्टोरेशन करके उसे बिल्कुल नया सा बना देता है। इनकम टैक्स वालों की मदद की, इसलिए नितेश को इनाम मिलता है। नितेश उन पैसों से अपने पिताजी को एक नया शेड बनवा देता है। अंडरग्राउंड कार ग्रीडी जेसीबी वाला। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चमनलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। चमनलाल का बेटा विदेश से पढ़कर गांव में वापस आया था। ये देखकर चमनलाल उसे कार गिफ्ट देता है। वो कहता है, वेलकम माय सन, वेलकम। थैंक यू पापा। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए ये कार, तुम्हारे वापस आने की खुशी में। अरे वाह पापा, ये तो एकदम लेटेस्ट है। थैंक यू वेरी मच पापा। इस तरह राजेश को नई कार गिफ्ट करके चमनलाल अपने बेटे का स्वागत करता है। राजेश भी उस कार को चलाने के लिए गांव में निकलता है। वो कार को चलाते हुए जाता है, लेकिन तभी चलते चलते रोड के पास एक अंडरग्राउंड गड्ढे में राजेश की कार गिर जाती है। जैसे तैसे राजेश उस अंडरग्राउंड गड्ढे से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी कार अंडरग्राउंड गड्ढे में ही फंसी हुई होती है। वो इधर उधर देखता है किसी की मदद लेने के लिए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे एक जेसीबी वाला वहां से गुजरते हुए दिखता है। राजेश कहता है, अरे वाह जेसीबी, इसी से मदद मांगूंगा मैं कार बाहर निकालने के लिए। सुनो भाई, जरा रुको तो। क्यों, क्या हुआ, क्यों रोका मुझे? अरे जरा मेरी मदद कर दो, मेरी कार इस अंडरग्राउंड गड्ढे में गिर गई है, उसे जरा निकाल कर दो तुम्हारी जेसीबी की मदद से। अरे भाई, मेरी जेसीबी क्या इस काम के लिए थोड़ी है, जाओ किसी और से मदद मांगो। अरे ऐसा मत करो, गांव में और कोई नहीं है जो इस कार को गड्ढे से बाहर निकाल सके। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। राजेश की बात मानकर वो जेसीबी वाला उसकी कार को अंडरग्राउंड गड्ढे से बाहर निकालता है और ऊपर रख देता है। राजेश उसे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अरे ओए, ये धन्यवाद लेने के लिए मैंने तुम्हारी कार नहीं निकाली बाहर, चलो पैसे ढीले करो जल्दी से। हाँ हाँ अभी दे रहा हूँ, बोलो कितने चाहिए? पूरे 50,000। अरे भाई, ये शोले का डायलॉग क्यों बोल रहे हो, ठीक से बोलो। अरे कहा ना, 50,000 तो 50,000, उससे एक रुपया भी कम नहीं। अरे ये क्या भाई, 50,000 रुपए एक कार को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हुए? अरे ये तुम्हारी कार ही 50 लाख की है और 50,000 देने के लिए इतना सोच रहे हो? जल्दी बोलो क्या करना है, नहीं तो कार को उठाकर वापस गड्ढे में डाल दूंगा। अरे लेकिन भाई, ऐसे मौके का फायदा नहीं लेना चाहिए, कभी तुम्हारी जेसीबी भी
किसी गड्ढे में गिर सकती है या उसके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर तुम क्या करोगे? अरे मेरी जेसीबी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी और ना ही उसके साथ कुछ होगा, और गिरेगी भी तो तेरे से कौन मदद लेगा रे। राजेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उस लालची जेसीबी वाले को वो 50,000 रुपए दे देता है और चला जाता है। कुछ दिन के बाद वही जेसीबी वाला काम से बाहर गांव जाता रहता है कि तभी गलती से ठीक उसी गड्ढे में उसकी जेसीबी गिर जाती है। जेसीबी वाला बाहर निकल आता है, लेकिन जेसीबी को निकालने के लिए वो मदद ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी राजेश वहां से जाता रहता है। जेसीबी वाला कहता है, अरे भाई जरा रुको, मेरी जेसीबी बाहर निकालने के लिए मेरी मदद करो। अरे ये क्या हो गया, उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कि जेसीबी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी और ना ही तुम मुझसे मदद लोगे, फिर आज क्या हुआ? राजेश की बात सुनकर वो जेसीबी वाला अपना सर नीचे कर देता है, लेकिन राजेश उसे उस दिन की बात याद दिलाता है कि कैसे उसने मौके का फायदा उठाया था। ये सुनकर जेसीबी वाला भी उसे 50,000 रुपए दूंगा ऐसा कहता है, लेकिन राजेश उसे सबक सिखाने के लिए उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। और जेसीबी अंदर अंडरग्राउंड गड्ढे में ही फंसी हुई रहती है।